हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2024 और आज की 8 इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी के लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट, 2817 करोड़ के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी, 14000 करोड़ की 7 योजनाएं, कैबिनेट फैसले, किसानों को सौगात, आय बढ़ाने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए पहल, 1202 करोड़ की लागत के साथ कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, डिजिटल कृषि मिशन में 2 आधारभूत स्तंभ, 1115 करोड़ के खर्च के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन करना, खाद्य व पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। यहाँ पे 13966 करोड़ रुपए की 7 योजनाओं को मंजूरी यहाँ पे दी है जो केंद्रीय कैबिनेट है वहाँ पे। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने दी सभी गति, मुंबई इंदौर रेल लाइन पर मोहर। और इसके अलावा 2817 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना भी शामिल इसी में है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, स्वास्थ्य विभाग में जल्द भरे जाएंगे 600 पद, शाडेल। लाहौल स्पीति के कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा के प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही भर्तियां होने वाली हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के काजा और केलांग अस्पतालों में पद भर दिए जाएंगे। सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले हैं। जल्द ही आयोग के माध्यम से डॉक्टरों के 200 पद इसमें भर दिए जाएंगे। NHM के माध्यम से 600 पद भरे जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को और सुधारना चाहती है। तो यहाँ पर जो है 9 स्टाफ नर्स, OT और हर जगह उपकरण देने का भी काम यहाँ पे किया है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पकड़े गए चालकों के लाइसेंस होंगे रद्द। तो इतने चालकों के जो है 1379 चालकों के जो है लाइसेंस रद्द होंगे। जिला शिमला में सबसे अधिक 288 मामले, किन्नौर में 147 चालकों को नशे की हालत में पकड़ा, कुल्लू में पकड़े गए हैं 70 चालक। तो इन सभी के जो लाइसेंस है वो रद्द करने की सिफारिश जो है अथॉरिटी से कर दी गई है। नेक्स्ट अपडेट, पदभार नहीं संभालने वाले नव नियुक्त JBT को आज गंवानी पड़ेगी नौकरी। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बैच वाइज आधार पर चयनित जिन JBT ने मंगलवार दोपहर तक स्कूलों में कार्यभार नहीं संभाला उन्हें नौकरी गंवानी पड़ेगी। बैच वाइज आधार पर चयनित 1122 JBT को 3 सितंबर तक पद संभालने के निर्देश दिए गए हैं। चयनित शिक्षक अगर मंगलवार दोपहर तक स्कूलों में नहीं पहुंचे तो वेटिंग लिस्ट में अगले भर्ती को मौका मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि 3 सितंबर तक पद संभालने का आखिरी दिन है और इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई चयनित अभ्यर्थी 3 सितंबर तक स्कूल में ज्वाइन नहीं देता है तो उसके स्थान पर वेटिंग लिस्ट में आने वाले अगले अभ्यर्थी को नौकरी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, बिजली बोर्ड में 4000 पद जल्द भरे जाएंगे, जल्द भरे सरकार, ऐसा यहाँ पे कहा है। तो बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक संघ कार्यालय कालीबाड़ी मैं प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कपटा की अध्यक्षता में हुई है और यहाँ पे रणनीति तैयार की गई है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने बोर्ड में खाली 4000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ ना करने पर चिंता जाहिर की है और यहाँ पे कहा है कि विद्युत सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिजली बोर्ड के स्टोर में आवश्यक सामान जैसे ट्रांसफार्मर केबल, कंडक्टर, फ्यूज वायर, MCCB, किटकैट भी उपलब्ध करवाने की मांग की है यहाँ पे। और संघ ने प्रबंधन से मरम्मत में उपयोग होने वाले सामान की भी उपलब्धता करवाने की यहाँ पे मांग की है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, शिमला धर्मशाला में बारिश, 3 NH 109 सड़कें ठप, कुल्लू में सेव तुड़ान रुका, कांगड़ा और हमीरपुर 4 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त। ये है NH का हाल। तो NH का हाल आप यहाँ पे देख ही सकते हो, सिरमौर में 2 NH और 71 सड़कें बंद। बाकी कहाँ पे कितना तापमान में है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। आज भी बारिश के आसार हैं। तो मंगलवार को भी प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में जो है बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। बुधवार में से मौसम साफ रहने की संभावना है यानी कि कल से। इसके अलावा 427 बिजली ट्रांसफार्मर प्रदेश में ठप है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों यही, नेशनल मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए 16 तक करें आवेदन। अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को सातवीं कक्षा के अंकों में
5% की छूट, 65 केंद्रों पर 10 नवंबर को होगी परीक्षा। नेक्स्ट अपडेट, 10 आवेदन आने पर ही शुरू होगा शॉर्ट टर्म वैल्यू एडिड कौशल विकास कोर्स का बैच, काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ताओं को किया जाएगा सूचित। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट थी आज की। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।